नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट में। कैसे हैं आप सभी? बीत रहा है ना अच्छे से? चलो भाई, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लासेस रेगुलर चल भी रहे हैं आप लोग के। और क्वेश्चन बना रहे हो कि नहीं बना रहे? जो छोड़ रहे हैं वो क्वेश्चन बना लो, होमवर्क पे दे रहे हैं उसको क्वेश्चन बना लो, और जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो तो करो ही, है ना। तो समझ लो कि अभी समाकलन चल रहा है, तो मतलब एनसीईआरटी का तो कोई क्वेश्चन छोड़ने वाले हम है नहीं, है ना। अगर छोड़ भी रहे हैं तो वो सिमिलर क्वेश्चन है, उसी को बनाना है आप लोग को। तो ऐसे होमवर्क बना लोगे तो मतलब एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, सारे के सारे बनेंगे। और इसके बाद अगर आप लोग कोई साइड बुक से समाकलन के क्वेश्चन जरूर बनाना, हमारा सजेशन है कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बना रहे हो तो कोई ना कोई एक साइड बुक रखना जिसमें इंटीग्रेशन के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो, और सेम टाइप के 2 से 4 से 5 से 6 ऐसे करके क्वेश्चन हो, जिसमें जो भी आपके तरफ प्रकाशन चलता हो, चाहे आप यूपी के हो, बिहार के हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं के भी हो, ठीक है। तो अब बनाना है, एक साइड बुक जरूर ले लेना इसके लिए, बस इंटीग्रेशन और अवकलन के लिए भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सॉल्व करो, क्वेश्चन फंसेगा नहीं, फंसेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में बाबू हम लोग गुणधर्म की बात किए थे, कुछ नए नए फॉर्मूलों की बात किए थे, जो कि आप लोग को याद हो गया होगा। हुआ है कि नहीं याद? सभी को सारे फॉर्मूले याद हुए? चलो भाई एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि चला था पहला, मतलब समाकलन के कुछ 16 फॉर्मूले के बाद 6 7 8 9, 9 फॉर्मूले और बताए गए थे पिछले लेक्चर में, है कि नहीं? चलो भाई, तो याद होंगे, टाइम वेस्ट होगा, रिवीजन करेंगे। चलो भाई हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन डायरेक्टली। देखो समाकलन का एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है हमको डी एक्स अपॉन अंडर रूट 5x² - 2x, ठीक है। ये क्वेश्चन है 5x² - 2x। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो एक बात तो ध्यान रहनी चाहिए कि तीन फॉर्मूले, छह जो याद कराए थे वो छह फॉर्मूले कैसे सॉल्व होते हैं, और उसके बाद ये किस टाइप का इक्वेशन है, ये भी, ये छह नहीं, ये सातवां नंबर है, ये दिमाग में बैठा के रखना, ये छह में से कोई नहीं है, सातवां नंबर। अच्छा, सातवां फॉर्मूला क्या था भाई? एक पॉलिनोमियल था, याद है, ax² + bx + c, ऐसा था ना। इसके लिए हम लोग सिंपल सी काम कर रहे थे कि इस दोनों को एक पूर्ण वर्ग बना के स्क्वायर कर रहे थे, और c के पास एक वैल्यू लेके k बना रहे थे, सबको याद है। ये फॉर्मूला नंबर 7 था, है ना। इसी का यूज करना है, क्योंकि देखो x और x दोनों में दिख रहा है, x² का पॉलिनोमियल है, तो अर्थ है कि यह जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसमें c की वैल्यू नहीं दी गई है, और हम ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। दिमाग में क्या बैठा के रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसी तरह सॉल्व होगा, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ से सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ए को हटाओ, है ना। पहला काम ए को यहाँ से हटाओ, ठीक है, क्योंकि ए की कोई ज़रूरत है नहीं, फॉर्मूले के हिसाब से भी नहीं है। 5 बाहर करो, अंदर क्या बचेगा, रूट में x² - 2/5x, ये बचेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या है कि अगर x² - 2/5x है, तो ये फॉर्मूला कौन सा है, x² - 2ax + a², यही वाला है फॉर्मूला, याद आ रहा है। इसमें से अगर x तो काम हो गया, 2 भी इसमें है, a की वैल्यू अगर इससे तुलना की जाए तो कितनी है, 1/5। क्या सबको समझ में आ रहा है, ए की वैल्यू 1/5 है कि नहीं है? 2 2 से कट गया, x x से कट गया, a जो बचा वो कितना बचेगा, 1/5। सिंपल सा लॉजिक है कि यह जो है ये पॉलिनोमियल है वो स्क्वायर रूट है किसका भाई, 5 तो बाहर ही है ना। ये वैल्यू x - 1/5 का होल स्क्वायर, क्यों, कोई प्रॉब्लम किसी को, बात समझ में आई? ये 1/5 का होल स्क्वायर है, क्योंकि इसमें ए जो है वो 1/5 है। अच्छा, ऐसे तो हम कह नहीं सकते कि 1/5 का होल स्क्वायर, ऐसे कैसे आ गया? अरे भाई, इसके लिए करना क्या होगा, या फिर एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। ऐसे देखो, यहाँ 2/5 ऐसे ही रहने दो, ऐड कर लो कितना, 1/5 का होल स्क्वायर, और इतना ही घटा लो, है ना। नियम तो यही कहता है कि मैथमेटिक्स में कोई भी चीज एक्स्ट्रा से आता नहीं है। इसमें अगर हमें जरूरत है 1/5 एज अ ए स्क्वायर की, तो इतना अगर जोड़ते हैं तो इतना ही घटाना पड़ेगा, जोड़ने वाला वैल्यू ये बन गया पूर्ण वर्ग,
ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा ये वन बाई फाइव है, बाहर कर सकते हैं रूट में, रूट में बाहर हो गया। इंटीग्रेशन करना है अब हमको डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वन बाई फाइव, एक्स माइनस वन बाई फाइव का होल स्क्वायर माइनस वन बाई फाइव का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखो अब फॉर्मूला ये तैयार हो गया, ये किसका फॉर्मूला है सबको याद है भाई, किसका फॉर्मूला है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला याद है ना सभी को? चलो बताना है अभी, लेकिन अभी देखो थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा एक मिनट और इंतजार, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग जो है एक्स माइनस वन बाई फाइव, इसको टी मानते हैं ना पिछले लेक्चर के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स माइनस वन बाई फाइव बराबर टी रखने पर इधर हो जाएगा डी एक्स और इधर हो जाएगा डी टी, डी टी के रूप में आ गया। ये वैल्यू आएगी वन बाई रूट फाइव इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा भाई, अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन बाई फाइव का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? अब इसके बाद ये फॉर्मूला किसका होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो भी रूट में, फिर लॉग का फॉर्मूला होता है ना, तो यहाँ फॉर्मूला यूज लिख लो, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे ब्रैकेट बनाना हर बार और फॉर्मूला लिख लेना। ये किसका है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये होता है वन अपॉन टू ए सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में है ना, तो ये वन अपॉन टू ए नहीं होता, ये दूसरा वाला फॉर्मूला है, ध्यान दो लॉग वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, यही है फॉर्मूला है ना, इसी को यहाँ पे यूज करना, ठीक ऐसे ही यूज कर लो। वन बाई रूट फाइव हो गया, लॉग साथ में है लॉग रहेगा, मॉड ऑफ एक्स है यहाँ पर टी है तो ये टी हो गया, प्लस रहेगा ठीक है, और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट मीन्स कि यही वाली वैल्यू टी स्क्वायर माइनस वन बाई फाइव का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू प्लस सी, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि टी का फॉर्म में आया ना, अभी हमको एक्स के फॉर्म में लिखना है, एक्स की वैल्यू उठा के रख दो, ये आ जाएगा वन बाई रूट फाइव लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस वन बाई फाइव प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन बाई फाइव का होल स्क्वायर माइनस वन बाई फाइव होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यही होगा हमारा रिक्वायर्ड। बात समझ में आई? बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, नहीं तो गड़बड़ होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। क्या देखना है, ये ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे 2x है, इट मीन्स कि इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात समीकरण आपको बनाना ही पड़ेगा। द्विघात समीकरण अगर तैयार हो गया तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व, ठीक है। चलो भाई इसे नोट कर लो। इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन, ये तो सातवां का था, इसके बाद एक बताए थे आठवां, ये आठवां था एक तरह से माने तो, ये भाई ऐसे रूट वाला था है ना, जैसे सातवां तो बिना रूट वाला बताए थे और आठवां रूट वाला बताया, दोनों में ऑपरेशन एक ही होने वाला। देखो ऑपरेशन तो वही सब हुआ, बस रूट में था, क्या प्रॉब्लम है, लास्ट में बस आंसर चेंज हो गया। अगर ये रूट नहीं होता तो आंसर चेंज हो जाता, वो वन अपॉन टू लॉग वाला हो जाता, लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, लेकिन जैसे ही रूट लगा दिया तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, उसके बाद ही क्वेश्चन बनेगा है ना। चलो भाई नोट कर लो इसे, इसके बाद एक और क्वेश्चन बना है ना, तो बनाया जाए एक और। अब देखो क्वेश्चन एक है हमारे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव डी एक्स। अच्छा जरा ये बता दो ये फॉर्मूला कौन सा वाला है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, नौ फॉर्मूले बताए थे, ये सबसे लास्ट वाला नौवां वाला है, याद है सभी को, दिमाग में आ रहा है कि अगर इंटीग्रेशन करना हो पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स,
सभी को याद है, इसी से बनेगा ये। जिस जो जो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो जरूर देखेगा ताकि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा पता चल जाएगा। बस स्टेप जानना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है स्टेप वाइज, एकदम स्टेप वाइज सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपल लॉजिक क्या, हम क्या करते हैं, ये जो पी एक्स प्लस क्यू है इसको बराबर करते हैं दो नए अचर के साथ, नए अचर अपने अकॉर्डिंग ए लेते हैं और ए के साथ ये पूरी वैल्यू लिखते हैं टू एक्स स्क्वायर, वो भी d बाई डी एक्स के साथ, है ना। टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव और फिर प्लस क्या करते हैं भाई b, और अगर p प्लस क्यू है तो इसकी जगह वैल्यू लिख सकते हैं, ये p है वन और q कितना है भाई टू। ये बात समझ में आई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक यही तरीका है जो हमें यूज करना है, बस ये फॉर्मूला नंबर 9। सॉल्व कैसे करते हैं, पी एक्स प्लस क्यू बराबर एक नया अचर ए इंटू डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, है ना, पिछले लेक्चर में बताए थे, तो वैसे ही इसको क्या करना है सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये वाली वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस टू और यहाँ मिलेगा ए इंटू टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा फोर एक्स और यहाँ प्लस सिक्स, प्लस कितना हो जाएगा भाई बी। बात समझ में, अच्छा a से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यहां मिलेगा x प्लस टू बराबर a, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये होगा 4ax प्लस 6a प्लस क्या हो जाएगा भाई b। अब एक चीज ये ध्यान देनी है आप लोग को कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो वेरिएबल x के साथ है और इधर ये है, जो अचर है इधर अचर है, इट मीन्स कि सीधे सीधे क्या करो, वेरिएबल को वेरिएबल के इक्वल और अचर को अचर के इक्वल कर दो, ठीक है। यहाँ से ए और बी का मान बस पता चलेगा, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं, इसलिए काम कर रहे हैं ताकि ए और बी का मान पता चल सके। अगर जैसे ही 4ax को x के बराबर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से x कट जाएगा, a की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 1/4। बात समझ में आई, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 1/4 और इसके बाद यही a की वैल्यू दोबारा सॉल्व करते हैं तो ये 6a प्लस b बराबर कितना होगा 2, ये वाला अचर, ठीक है। यहाँ से a का वैल्यू उठा के रख दो तो ये हो गया 6/4 प्लस b बराबर 2। अभी तक हम बस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, छोटा बना रहे हैं, इंटीग्रेशन अभी कहीं नहीं किया, बस ये बात ध्यान रखनी है कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं किया गया है। p प्लस q बराबर a प्लस b वाला फॉर्म से a और b का मान हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। कितनी बात समझ में आ रही है, इस क्वेश्चन को कभी भी अगर ऊपर कोई वेरिएबल दिया हो तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर, है ना। आगे देखो, यहाँ से b का मान निकालेंगे उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, b बराबर आएगा 2 - 6/4, 4 × 8, 8 में से 6 गया कितना बचा 2, 2/4 हो गया 1/2, b का मान आ गया 1/2 और a का मान आ गया 1/2। बात समझ में आई। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते, देखो कुछ एकदम ये नया है, एकदम नया है, समझ लो कि सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से बहुत कुछ, ठीक है। तो ध्यान से इसको करना है, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, है ना। अब जिस फॉर्म में हमको रखना है उस फॉर्म में लिख देते हैं इसे, ठीक है। तो अब जो है ये वाली वैल्यू जो हमारा जो ये इक्वेशन क्वेश्चन जो हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस टू डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एक नए फॉर्म में बन गया, नए फॉर्म में। वो फॉर्म कैसे है भाई, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यही वाली वैल्यू है ना, ये वाली 2x² प्लस 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाई, ये देखो नीचे जो है वैसे ही रहेगा 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस b इंटू, अब क्या करेंगे देखो, ध्यान देना है, इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक x के साथ लिखे तो उस तरह लिख दिए और एक b के साथ लिखेंगे तो 1/ लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ ये कितना हो जाएगा भाई 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx, मतलब इंटीग्रेशन हम
इसका भी कर रहे हैं डीएक्स और इसका भी कर रहे हैं डीएक्स, ठीक है। यही चीज ध्यान रखनी है, ये जो है फॉर्म बनाएगा कैसा, ये फॉर्म एज अ फॉर्मूला याद रखना है, ए इंटू इसी का अवकलन और बी इंटू ये वन हटा दो, अब ये ऊपर वाला पी प्लस क्यू हटा दो, ठीक है। ए और बी लिखा हुआ है उसका मान हम लोग यहां से निकाले, तो ए और बी का मान रख देना है यहां से। इंटीग्रेशन हम डिफ्रेंशिएशन पहले ही कर चुके हैं, ये आया 4x प्लस 6, तो या चाहो तो इसे डायरेक्टली इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5 इंटू dx, और यहाँ हो गया b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx, ठीक है। a और b का मान अब रख दो, रख दो ए और बी का मान, यहाँ है 1/4, इंटीग्रेशन करना है 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx, और यहाँ b का मान आया 1/2, इंटीग्रेशन करना है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। अब देखो यहाँ से अब क्या कर सकते हैं भाई, देखो इसे क्या करो कि ये तो इंटीग्रेशन सिंपल है, यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे ये वाला इंटीग्रेशन सिंपल है, क्यों सिंपल है, इसी का अवकलन ऊपर वाला है, इसको जैसे ही टी मानेंगे तो ये पूरा डी टी हो जाएगा, देखना ऑटोमेटिक डी टी हो जाएगा, तो क्यों ना इसे एक नया वेरिएबल मान ले आई वन और इसे मान ले आई टू और दोनों को अलग अलग सॉल्व, आई वन को अलग आई टू को अलग, फिर उठा के यहाँ रख देंगे, इसको बना लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पूरे इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन ऐसा होगा वही कॉम्प्लिकेटेड होगा, ध्यान देना, और आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन 8 नंबर से कम नहीं पूछेगा, ये भी ध्यान देना, ठीक है, तभी सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। क्या करना है इसका कि आई वन अलग सॉल्व करना है और आई टू अलग सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो सॉल्व करते हैं करके आई वन और आई टू अलग अलग, आई वन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो ऑटोमेटिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर सिंपल क्या लिखेंगे आई वन के लिए, देखो सीधे सीधे नीचे वाले को 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को t मान लो, हर बार यही काम करना है, अगर px प्लस q वाला फॉर्म है ना तो वो ये तो 100%, अरे 100% यही तो यार, देखो ना देखो ना, अरे t मानेंगे तो ये सीधी बात है, ये इसका अवकलन ही मिलने वाला है, अवकलन करेंगे दोनों पक्षों में हो जाएगा 4x प्लस 6 इंटू डी एक्स बराबर डी टी, क्या ऐसा ही अंश दिख रहा है 4x प्लस सी डी एक्स बराबर डी टी, उठा के रख दो, I1 हो गया सॉल्व, I1 आ गया 1/4, नीचे 1 अपॉन टी और ऊपर क्या हो गया डी टी, वैल्यू कितना हो गया 1 अपॉन 4 इंटू लॉग मॉड ऑफ टी, टी की वैल्यू रख सकते हैं है ना, सिंपल है, t की वैल्यू रखो तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू लॉग ऑफ मॉड में आएगा ये वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, ये आ गया हमारे पास i1 की वैल्यू। अब निकालना है i2 का, i2 ही मेन है, i1 तो सिंपल है, i2 देखोगे तो फिर से ये दिख रहा है एक पॉलिनोमियल, वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात समीकरण, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला नंबर 7, ये फॉर्मूला नंबर 9 में घुस गया फॉर्मूला नंबर 7 है ना, तो देखो यही बात ध्यान रखनी है, इसको मिटा दे रहे हैं, नोट कर लो, मिटा दे रहे हैं, फिर उसके बाद I2 सॉल्व करते हैं इधर, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो, मिटाने जा रहे हैं। सबसे पहला काम ए और बी निकालना, दूसरा काम इसको फिर इस फॉर्म में लिखना, हमेशा ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हर टाइम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए और बी का मान बस हमें यहां से पता होना चाहिए, तब हम इस फॉर्म में ए और बी का मान रख के आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अब आई टू निकालते हैं इधर, आई टू कितना आएगा भाई, देखो आई के इंटीग्रेशन करना है हमको 1/2 वन अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, बिल्कुल है, तो पहला काम a को कॉमन लो, ठीक है, तो a हो गया बाहर, एक और बाहर ले लो, इंटीग्रेशन हो जाएगा अब
वन अपॉन ए बाहर हो गया, बच गया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स बाई टू एक्स प्लस फाइव बाई टू, है ना। काट लो, बाहर मिला हमको वन बाई फोर, अंदर क्या हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव बाई टू इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे बताओ, पूर्ण वर्ग बनाएंगे, है ना। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इन दोनों को बस देखेंगे कि इसमें रिक्वायरमेंट किसकी है। यहाँ देखो, इसको डायरेक्टली कहीं रफली सॉल्व करना, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स को हमें बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, यही बनाना है ना। अच्छा, ए स्क्वायर की कोई ज़रूरत ही नहीं, हम यहीं से ए पता कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स से एक्स कट गया, बचा क्या भाई, यहाँ बचा टू ए और यहाँ बचा थ्री। इट मीन्स कि ए की वैल्यू हमारे पास थ्री बाई टू चाहिए, चाहिए ना। ए मिल गया थ्री बाई टू, बस काम हो गया खलास। ए की वैल्यू थ्री बाई टू चाहिए, इट मीन्स कि अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा वन अपॉन एक्स प्लस, है ना, तो प्लस ए। ए कितना है थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। अच्छा नहीं करते, नहीं करते, अभी एक स्टेप और, जैसे हर बार कर रहे हैं वैसे ही। यहाँ थ्री एक्स ऐसे ही रहने दो, ए कितना है थ्री बाई टू, मतलब इसी का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर जोड़ दो और इसी का स्क्वायर घटा दो और प्लस कितना है भाई फाइव बाई टू, यही कर सकते हैं ना। इसका स्क्वायर जोड़ लिए घटा लिए, देखो जोड़ने वाला इसके साथ रखो, घटाने वाला भगा दो, क्योंकि जोड़ने वाला रहेगा तभी ये पूर्ण वर्ग बनाएगा, है ना। ये हो गया वन बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन कितना हो गया एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। ये देखो नाइन बाई फोर है, माइनस नाइन बाई फोर है और इधर फाइव बाई टू है, इट मीन्स कि ये वाली वैल्यू होगी माइनस नाइन बाई फोर प्लस फाइव बाई टू इंटू डी एक्स, है ना। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ होगा वन बाई फोर, यहाँ होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कितना भाई, इधर तो वही है जो है वैसे ही रहने दो, एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ देखो चार और दो कैल्सियम होता है, चार घटेगा, ठीक है, बाहर माइनस है, माइनस ही रहने दो, है ना, या फिर बाहर को प्लस रहने दो, इसके साथ माइनस रखो, ठीक है। तो चार होगा, चार से एक बार में कटेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस नाइन, और दो से चार दो बार में कटेगा, यहाँ हो जाएगा प्लस टेन, ठीक है। वैल्यू आएगा वन अपॉन फोर, है ना। ये अगर डायरेक्टली भी ऐसे भी घटाते हैं, मतलब कि माइनस नाइन बाई फोर प्लस फाइव बाई टू, ये हो जाएगा फोर और यहाँ आएगा कितना माइनस नाइन प्लस टेन, अर्थ है वन बाई फोर ही मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिख रहा है ना, ज़्यादा छोटा तो नहीं है, चलो तो जगह नहीं है, अब हमें फिर उधर जाना पड़ेगा, उधर का लिख लो तो मिटा दे, लास्ट बस चल रहा है, बस आंसर आने वाला है। यहाँ से 9 बाई फोर 1 बाई फोर हो जाएगा, मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला, टेन इनवर्स वाला फार्मूला बनेगा। देखो आंसर आ गया, लेकिन इधर का मिटा रहे हैं बनाने के लिए। अब देखो आगे बनाते हैं, यहाँ बनेगा 1 बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर और यहाँ बनेगा प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया। अच्छा यहाँ पे फिर इसको टी मानना पड़ेगा, मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते हो, डायरेक्ट लिखते हैं हम वन बाई फोर हो गया, फिर ये फॉर्मूला हो गया टेन इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है, देखो अगर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो ये फॉर्मूला होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का, ठीक है, एक्स जो भी है वैसे रहने दो, तो वन अपॉन ए करेंगे, इट मीन्स कि यहाँ पर एक और बढ़ जाने वाला होगा, वन अपॉन टू और टेन इनवर्स एक्स कितना है भाई, डायरेक्टली लिखते हैं वन थ्री प्लस टू डिवाइडेड बाई ए कितना है वन बाई टू, ये बन गया हमारा टेन का फंक्शन। ये दो ऊपर आएगा, दो से चार कट गया
बच गया 1/2 टेन इनवर्स, ये दो ऊपर चढ़ गया तो बन गया हमारे पास 2 x + 3/2। ठीक है, ये आ गया हमारा I2 का वैल्यू, है ना। बात समझ में आई, I2 का मान आ गया और I1 का भी मान आ गया, दोनों मान उठा के रख दो, आंसर हो गया। ठीक है, यहीं पर रखना है I1 + I2, I1 अलग लिए थे और I2 अलग लिए थे। अच्छा 1/2 भी लिए थे ना, 1/2 लेने की जरूरत नहीं थी लेकिन ले लिए थे, कोई बात नहीं। और इधर 1/4 भी लिए थे, मतलब कि टोटल ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों को ऐड कर लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें चाहिए I का मान, तो I बराबर कितना हो जाएगा, इसको और इसको दोनों को जोड़ लो, 1/4 log(2x²+6x+5) और यहाँ हो जाएगा +1/2 tan inverse 2 x + 3/2 का बस खत्म, ये आएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, उस क्वेश्चन का ये आएगा आंसर, तो मतलब PX+Q वाले फॉर्म का हर एक बार क्वेश्चन करोगे तो यही आंसर आने वाला होगा। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद एक दो और क्वेश्चन है ना। अब क्या करते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है सभी के समाकलन करने हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे और कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए देंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जो भी सिमिलर दिखेगा वो हम नहीं करेंगे क्योंकि जल्द से जल्द इसे ख़त्म करना है ना। चलो भाई आगे बढ़े, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई बनाते हैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अरे चलो भाई, तो अब देखो एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, लगातार लिख दे रहे हैं, दो तीन क्वेश्चन, एक दो हम बताएंगे और उसके बाद आप लोग करना। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है 3x² / x^6+1। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/√1+4x², ये भी सिंपल क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूले बनेगा जो हम लोग पढ़े हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, यहाँ बनेगा 2x + 1 का होल स्क्वायर + 1, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तीन क्वेश्चन है, तो देखो तीनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखने वाली बात है। यहाँ पर ध्यान दो, अगर इंटीग्रेशन करना है dx का तो हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का फॉर्म, लेकिन ये एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिख नहीं रहा है ना, क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर का फॉर्म? नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 3x² / ये देखो एक्स का क्यूब का स्क्वायर, बात समझ में आई, +1 × dx, सिंपल सी लॉजिक है। अब क्या करना है अभी कि यहाँ पर एक्स क्यूब को एक्स क्यूब बराबर टी रखने पर इससे फायदा क्या होगा ये जानो। एक्स क्यूब बराबर जैसे टी रखेंगे तो नीचे तो बन जाएगा t² और यहाँ हो जाएगा +1, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² dx = dt। क्या ऐसा ही ऊपर भी है? तो ये dt बन गया, है ना। अब देखो ये फॉर्म बन गया x² + a² का, और ये किसका फॉर्म होता है, x² + a² बताओ जल्दी जल्दी, टेन वाला ना, x² + a² टेन वाला फॉर्म। तो मतलब ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1/a, कितना है 1 ही है, (tan−1)t/1। आंसर कितना आ गया, 1 तो गायब, आंसर आ गया हमारा (tan−1)t, कितना लिए x³, (tan−x³), ये है वैल्यू इसका। ठीक है, नोट डाउन, फटाफट नोट कर लो, बात समझ में आई क्लियर। ऐसे ही देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरे तो और सिंपल है भाई,
ये है 1, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये देखो 4x है तो इसे 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं, इनटू dx। सिंपल लॉजिक, ये बन गया रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। ये फॉर्मूला किसका होता है, लॉग का, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स कितना है 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, बन गया आंसर आ गया भाई। कोई प्रॉब्लम किसी को, बस फॉर्मूला याद रहेगा आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा लॉग 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी है ना, प्लस सी नोट रखना, एक अचर राशि जुड़ जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। यहाँ देखो इसको सॉल्व कर लो, ये भी सिंपल है, इसको टी मान लेते हैं ना, पहला काम क्या करते हैं, इसको टी मान लेते हैं। तो जैसे ही इसे टी मानेंगे बाबू, तो ध्यान देना है कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टी का फॉर्म है ना, माना 2x+1 का होल स्क्वायर बराबर, सॉरी होल स्क्वायर क्यों लगा दे रहे हैं, टी। तो ये हो जाएगा डी एक्स बराबर क्या, डी टी है ना, लेकिन 2x है। एक बात ध्यान देने वाली है कि ये 2x है, क्लियर। तो एक चीज इसमें, एक चीज को ध्यान देना है कि हमें t मान रहे हैं तो dx dx थोड़े ना होगा, 2x dx होगा ना, 2 dx, तो dx की वैल्यू आएगी dt/2। और यहाँ भी वही वाला कुछ होने वाला है, इधर भी कुछ होगा क्या, नहीं, ठीक है। यहाँ देखो हम माने नहीं थे, यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे कि 2x बराबर t, तो ये क्या हो जाएगा 2 dx/dt। इट मीन्स कि dx को dt बनाने के लिए बाई 2 करना पड़ेगा, और वही यहाँ पर बाहर रहेगा जो कि हम बताए नहीं है, समझ लेना है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ भी जो करने जा रहे हैं वही किए हैं। अब देखो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1/2, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dt डिवाइडेड बाई ये t हो गया t²+1। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, t कैसे बनाना है, x कैसे बनाना है, ये बात हमेशा गौर करना है। 1/2 बाहर कर लो तो इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास dt/√t²+1। ये मान किसका होता है, फिर वही लॉग वाला, तो ये हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ t+√t²+1। अच्छा t की वैल्यू रख दो 1/2, लॉग t कितना माने 2x+1, ये हो जाएगा 2x+1, और दूसरे इधर ब्रैकेट में मिलेगा 2x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, आएगी हमारी आंसर, समझ में आया। चलो वही बात इसमें भी करना था, तो मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व करेंगे और हमको बताएंगे आया कि नहीं आया। 4-5 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दे रहे हैं, बनाना है। ये सब समझ में आया ना, जब उतने हार्ड समझ में आ गए तो ये तो भाई एकदम हलवा है ना, आराम से समझ में आएगा, मिटा दे। चलो भाई इसके बाद देखो 3-4 क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, जो हार्ड होगा वो फिर हम ही बनाएंगे, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, ये लिखा हुआ है 1/√(9 − 25x²), क्या इसे आप लोग बना लोगे, चौथा नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन एक और है, 1/3x√(3x/1+2x²4), ठीक है। एक और क्वेश्चन है x²/(1 − x²)6। तो ये 3 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान देने वाली बात है भाई, कैसे सॉल्व होगा ये। तो देखो तीनों क्वेश्चन आसानी से आप लोग लगा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या सभी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा भाई, जो 6 आपको फॉर्मूले बताए हैं उसी फॉर्मूले पे सारे बेस्ड है, बस कैसे एक्स को टी मानना है यही मेन लॉजिक है इसमें, नहीं तो और सब तो ये तो एकदम सिंपल है भाई। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये देखो क्या बनेगा, 1/, इंटीग्रेशन करना है ना, √(9 − 25x²dx) को, जरा इसे पूर्ण वर्ग बना लो। तो ये देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई,
9 को 3 का स्क्वायर, और ये देखो दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो 5x का होल स्क्वायर dx बन गया। अच्छा अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये किसका होता है फॉर्मूला, अगर माइनस में हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, याद है ना सभी को। डायरेक्ट फॉर्मूला देखो कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, यही है फॉर्मूला जो इसमें हमको लगाना है। लगा लो, आंसर आ गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स कितना है 5x, ए कितना है 3, 5x बाई 3 प्लस सी, बात समझ में आई, ठीक है इसका आंसर। ठीक है तीन चार लाइन में दो दो नंबर क्वेश्चन आएंगे, फटाफट ये सब सॉल्व होंगे, शुरुआत के क्वेश्चन तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाले। ये देखो इसमें टी मान के सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ देखो 2x स्क्वायर है ना, तो क्या इसे हम पहले तो इंटीग्रेट करना है 3x अपॉन 1+2x के पावर 4 का dx का। ये देखो क्या इसे 3x अपॉन 1+ अच्छा डायरेक्टली t मान लेते हैं t, लेकिन एक काम कर सकते हैं ऐसे 3x अपॉन 1+2 इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते, ठीक है एक्स स्क्वायर का होल इंटू dx। अब यहां से एक्स स्क्वायर को t मान लो, क्योंकि यही जो है वो फंसा रहा है क्वेश्चन, अगर t मान लेंगे तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, बात समझ में। तो एक्स स्क्वायर को जैसे ही t मानेंगे तो ये होगा 2x dx बराबर dt, लेकिन ऊपर दिखने में आ रहा है 3x dx बराबर dt, तो 3 को बाहर कर लेते हैं, 2 को इधर भगाएंगे तो ये हो जाएगा x dx बराबर dt बाई 2, बात समझ में आई। ये फॉर्म अब एक नए रूप में आ गया, 3 बाहर कर लो तो नए रूप में क्या आया कि x dx बराबर हो गया dt अपॉन 2, और नीचे नया रूप क्या है भाई 1+2t का स्क्वायर है कि नहीं। अच्छा ये होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा तो रूट लगा लो, इट मीन्स कि ये फॉर्मूला अब 1/2 बाहर कर लेते हैं तो बाहर हो गया 3/2, और अंदर इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास मिल गया dt अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस √2t का होल स्क्वायर, बात समझ में। बस थोड़ा सा रूप चेंज करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, इंटीग्रेशन अभी नहीं कर रहे हैं, अब इंटीग्रेशन करने का समय आ चुका है। इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, 1/a बाहर आता है, 3/2 तो ऐसे ही है, 1/a बाहर आता है, ए कितना है 1 है, और टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स कितना है भाई √2t डिवाइडेड बाई 1 हो गया, 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 3/2 ही होगा, यहाँ बनेगा टेन इनवर्स √2t है, टी कितना माने हैं एक्स स्क्वायर, इट मीन्स कि ये वैल्यू आंसर आएगा √2x स्क्वायर, और यही होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर 80। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट किसी को, क्लियर है ना एकदम सिंपल है। चलो भाई ये देखो आप इसको भी कैसे बनाएंगे, यहां पर करने के लिए फिर वही काम, देखो हल करना है, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 - x^6 इंटू डी एक्स, क्या x^6 को ऐसे लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर, एक ही बात है, ऐसा लिखे क्यों है क्योंकि इसी का देखो ऊपर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक पावर बढ़ा के लेंगे तभी अवकलन करेंगे तो यहां वाला फॉर्म मिलेगा। अब इसको मान लो t, माना x³ बराबर t रखने, अब जैसे ही t रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt, हमें रिक्वायरमेंट कितने की है एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 3 को भगा दो, ये बन गया एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर dt बाई 3। अब सारा खेल एकदम आसान हो गया, यहाँ बनाना इंटीग्रेशन, ऊपर देखो ये dt/3 हो गया तो dt और 1/3 बाहर कर लेते हैं, अपॉन नीचे हो गया 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला कौन सा बनेगा लॉग वाला है ना, हाँ लॉग वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1/2a लॉग, ये देखो
ये होगा वैल्यू 1/3 इंटू 1/2 इंटू ए लॉग एक्स माइनस ए, लेकिन 1 - t² है ना। अरे ये तो वो वाला फॉर्म है यार, कहीं कंफ्यूज तो नहीं है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स का फॉर्म बना, ए प्लस एक्स। इट मीन्स कि ये हो जाएगा 1 + t डिवाइडेड बाई 1 - t + c। देखो बाबू फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व ये सब होने वाले हैं, है ना। ये हो जाएगा 1/6 लॉग टी की वैल्यू रख लो एक्स क्यूब है ना, तो ये बनेगा 1 + x³ डिवाइडेड बाई 1 - x³ + c। यही होगा हमारा रिक्वायर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, कोई डाउट? समझ में आया? तो ऐसे ही क्वेश्चंस 3 बन गए, 3 और 3 और 3 और ऐसे ही करके जल्दी जल्दी बनाएंगे, और इसमें से आप लोग भी साथ साथ क्वेश्चन हमारे बनाते चलो, ठीक है। आगे की भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, आज के लिए हम लोग नहीं रहने देते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में कल, तो कल फिर है के बाद आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो जिस लेवल तक क्वेश्चन हम लोग बना लिए एग्जाम्पल से ही, उस लेवल तक ये तो अभी सिंपल सिंपल था, 6 फॉर्मूलों में से ये सब क्वेश्चन थे। लेकिन अब 7वां 8वां और 9वां जब ये तीनों फॉर्मूले आएंगे तब थोड़ा सा कठिन होने वाला है, ठीक है। तो उसी को बनाएंगे हम लोग, चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।